नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए ब्लोइंग ए स्मोक बबल सच दैट इट्स डायमीटर इंक्रीज फ्रॉम डी टू डी, टी सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, अपने मुंह से फुला रहा है, तो इसमें से क्या निकलती है, सोप बबल बाहर निकलती है। इसकी पहले डायमीटर क्या था, स्मॉल डी था, बाद में इसका क्या हो जाता है, कैपिटल डी, तो डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है कितना होगा वर्क डन। तो यू इनिशियल सरफेस एनर्जी इनिशियल क्या होगी हमारे पास, सिग्मा इंटू फोर बाय फोर पाई आर स्केयर, आर कितना हो गया डी बाय टू का स्केयर, यू फाइनल सिग्मा इंटू फोर बाई डी बाय टू का स्केयर इंटू में टू। टू हम क्यों करते हैं कि सोप बबल में क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, मल्टीप्लाई बाय टू बिकॉज इन सोप बबल कंटेन टू मेम्ब्रेन, इसमें क्या होती है टू मेम्ब्रेन होती है, इसलिए एक मेम्ब्रेन के लिए इतना, तो इंटू में टू। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल सिग्मा इंटू फोर पाई डी स्केयर डिवाइड बाय में फोर माइनस सिग्मा फोर पाई डी स्केयर डिवाइड बाय में फोर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, फोर से फोर कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहां क्या करना था एस, तो हमारे पास टू एस पाई, हमने क्या ले लिया टू एस और पाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, फोर से फोर क्या हो गया, ये फोर से ये फोर कैंसिल, इस फोर से ये फोर कैंसिल, ओके, और टू एस पाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, टू एस पाई हमने क्या ले लिया, कॉमन, इसमें भी क्या होगा टू से मल्टीप्लाई, ओके, तो टू एस पाई हमने क्या लिया, कॉमन, अंदर क्या बच गया हमारे पास, डी स्केयर माइनस डी स्केयर, तो हमारे पास क्या आ गया, टू टी पाई डिवाइड बाय में डी स्केयर माइनस डी स्केयर, क्योंकि इसमें जो सरफेस टेंशन है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, टी से, तो दैट इज द आंसर।